Hello everyone, welcome to Finland. Today we are going to visit the Sea Life Aquarium in Helsinki, which is the capital city of Finland. ये पूरा वीडियो में आपको ट्रैम से हेलसिंकी सिटी व्यू दिखेगा, एक्वेरियम में हमने क्या क्या फिश देखा एंड हमने क्या क्या एक्टिविटी किया वो सब देखने को मिलेगा, तो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो को देखने के लिए आप ये ऊपर वाला लिंक में देख सकते हैं। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में क्रूज ट्रिप फ्रॉम स्टॉकहोम टू हेलसिंकी को दिखाया गया है। हेलसिंकी को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है, तो एक्वेरियम जो है वो जोन ए बी में आता है, तो हमने जोन ए बी का टिकट ले लिया। हम पोर्ट से ओलंपिया टर्मिनल तक वॉक करके गए, जो कि अराउंड 5 मिनट्स लगा एंड वहां पे ट्राम में चढ़ गए। जब हम स्टॉकहोम से निकले तो बिल्कुल स्नो नहीं था, पर हेलसिंकी तो स्नो से डूबा हुआ था। आप देख सकते हो गार्डन, पार्क, मॉल्स, ऑफिसेस, शोरूम्स, चारों तरफ स्नो ही स्नो था। घर के बाहर ओपन में रखे हुए कार्स तो पूरा स्नो के अंदर डूबे हुए थे। फिर भी सिटी का कुछ काम तो रुकता नहीं, क्योंकि उनके लिए तो ये नॉर्मल ही था। हमको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 मिनट लगने वाला था। क्रिसमस नियर बाय था, तो क्रिसमस के डेकोरेशंस, क्रिसमस में पहनने के लिए न्यू कॉस्ट्यूम सब मिल रहे थे एंड लोगों ने अपने घरों में डेकोरेशंस भी करना चालू कर दिया था। हेलसिंकी सिटी व्यू देखते देखते कब 45 मिनट चला गया पता ही नहीं चला एंड हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच भी गए। अगर आपको हेलसिंकी का इवनिंग या फिर नाइट व्यू देखना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हम लोग ट्राम से बॉर्ग बैकन स्टेशन में उतर गए। वहां से 5 से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में ही अम्यूजमेंट पार्क एंड एक्वेरियम था। डिज्नी चैनल में जो सारे सी एनिमल्स एंड फिशेस हम देखते थे वो सब हम यहाँ पे आज देखने वाले थे, तो मेरी बेटी ही नहीं हम लोग भी बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड थे। मैंने लंदन का सी लाइफ एक्वेरियम विजिट किया था, तो देखते हैं वो ज़्यादा अच्छा था कि ये वाला। एंड तक देखिए ताकि आप इसका रिव्यू जान सकेंगे। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए थे। ये है पहाड़ का आउटसाइड व्यू ऑफ द सी लाइफ एक्वेरियम। ये सी लाइफ एक्वेरियम 3 फ्लोर्स में बना हुआ था, तो चलिए हम अंदर जाते हैं एंड देखते हैं हमको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। हम इसके अंदर 3 से 4 तरीके के डिफरेंट एक्टिविटीज भी किए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे बाहर से खाना ले जाना अलाउड था। ये येलो बॉक्स है कैबिन के जैसे, इसके अंदर आप बैठ के आराम से खा सकते हो। ये है बुकिंग काउंटर, आप यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस देख सकते हो एंड टाइमिंग्स भी देख सकते हो। डिफरेंट पैकेजेस भी थे, मंथली, ईयरली और डे वन। ये हमारा बिल था, इसमें आप एडल्ट्स एंड किड्स का डिफरेंट कॉस्ट देख सकते हैं। इसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं था एंड अच्छी बात ये थी कि वाईफाई भी अवेलेबल था, जो कि आप जितना भी घंटा चाहो उतना टाइम यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले अंदर जाते ही छोटे छोटे कलरफुल फिशेस ने हमको वेलकम किया। उसके बाद था मीरू का फेवरेट पिंक कलर का फिश, अगर आपको इसका नाम पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट फिश था व्हाइट एंड रेड कलर का, जिसके ऊपर 3 ब्लैक कलर के लाइन्स बने थे। कैन यू स्पॉट द पर्पल फिश हियर? यस, वी फाउंड इट। मीरू वाज सो मच एक्साइटेड टू स्पॉट ईच एंड एवरी फिश इन द एक्वेरियम। यहाँ पे हमने पॉइजनस येलो फ्रॉग भी देखा। ओह वाओ, दीस क्यूट लिटिल फिशेस। ये स्मॉल क्यूट लिटिल फिशेस बहुत सारे कलरफुल थे, जिसमें पर्पल, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, पिंक, बहुत सारे कलर आई थे उसके हेड पे। एक इसके अंदर भी घुस गया होगा, कोई भरोसा नहीं। कुछ व्हाइट फिशेस के ऊपर ब्लैक कलर का स्ट्रिप्स भी था, जो कि एकदम जीब्रा जैसे लग रहे थे, बट वो कलरफुल फिशेस से कोई एंगल में भी कम सुंदर नहीं थे। सारे फिश एक से बढ़कर एक थे। ये देखिए, ये येलो एंड पर्पल कॉम्बिनेशन में जो फिश थे वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल थे। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये कोई फिश है या फिर स्नेक है? ये फिश दिखने में थोड़े फनी थे, पूरा का पूरा सॉइल के अंदर घुसे हुए थे और बाहर बस इनका हेड निकला हुआ था और धीरे धीरे हिल रहे थे। आप बस कलर बताइए एंड आपको उस कलर का फिश यहाँ पे जरूर मिल जाएगा। क्या आपने फाइंडिंग नेमो मूवी देखा है? अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बहुत अच्छा मूवी है। ये सारे फिश को देख के मुझे पूरा मूवी रिकॉल हो गया। क्या आपने स्टोन फिश कभी सुना है? ये देखिए, ये है लेजी बट डेंजरियस स्टोन फिश, मोटा एंड लंबा अजगर के सांप के जैसे। इसके अंदर यहाँ पे बिग शार्क का स्केलेटन था। एक जगह में सॉइल के अंदर बिग शार्क का स्केलेटन का
आर्टिफिशियल पीस पड़ा हुआ था जिसको आपको डिस्कवर करना था, तो वो एक एक्टिविटी हमने किया वहाँ पे। ओ वाओ, सिल्वर मून फिश, ये डायमंड शेप के व्हाइट कलर के फिशेस थे जो कि एक सिलेंड्रिकल बॉक्स के अंदर थे। एक प्ले जोन था जहाँ पे मीरू ने थोड़ा सा टाइम पास किया। नेक्स्ट हम आगे देखने के लिए सी हॉर्स। इनके साथ एक चीज बहुत ज्यादा डिफरेंट था जो कि हर जगह ये लोग दो दो सी हॉर्स साथ में जुड़े हुए थे। कैन यू स्पॉट द फिश एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर। देखते हैं गूगल स्कैनर किसको किसको यूज करना आता है। नेक्स्ट इट इज शार्क टाइम। ओ माई गॉड आई एम स्कैर्ड। वहां रूफ में सर के ऊपर ग्लास का सिलेंड्रिकल शेप में बॉक्स था जिसके अंदर चार तरीके के शार्क्स को रखे गए थे जिनके नाम थे जीब्रा, बैम्बू, ब्लैक टिप रिफ एंड इपॉलेट। कुछ ही देर में हम शार्क का फीडिंग एक्टिविटी देखने वाले थे लेकिन कुछ टाइम बाकी था तो इसके लिए हम चले गए आगे स्टारफिश देखने। यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल स्टारफिश रखा गया है बट रियल में हमने स्टारफिश को देखा, उसको टच किया, फील किया एंड केयर टेकर ने हमको किया एक्सप्लेन किया, वो भी इस वीडियो में दिखने वाला है। एक बिग पूल में डिफरेंट एज ग्रुप्स के फिश थे। So I'm in the pool with the sharks. तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे छोटे फिशेस को नर्सरी सेक्शन दिया गया था, थोड़े बड़े फिश को जूनियर केजी एंड थोड़े बड़े को सीनियर केजी एंड ऐसे अलग अलग सेक्शन बना के डिफरेंट एज ग्रुप्स के फिशेस को रखे गए थे। यहाँ पे स्टार फिश एंड क्यूकम्बर फिश को रखे गए थे जिसको हमने टच किया। स्टारफिश दिखने में जितना क्यूट होता है बट टच करने में उतना ही रफ एंड हार्ड होता है। क्यूकम्बर फिश कैसे सलाइवा निकालता है तो बाकी सारे फिश उसके ऊपर अटैक करके वो खाते हैं, वो लाइफस्टाइल इसने एक्सप्लेन किया है। आप सभी ने शार्क तो देखा होगा लेकिन कभी शार्क का एग देखा है? हमने वो टच करके फील किया। शो मी वीरू हियर एंड देन द बेबी ईट्स देयर वे आउट ऑफ द एग इवन दो द बर्थिंग इज काइंड ऑफ स्केरी बट दे ईट इट to eat the egg but they're very bad swimmers in the first years of their lives so they do not know. Ek chota sa play and coloring zone bhi tha. अभी शार्क का फीडिंग टाइम हो गया था। सारे फिशेस को पता होता है कि उनका फीडिंग टाइम कौन सा है तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग बाहर आ जाते हैं। सारे फिशेस को देखिए कैसे गोल गोल घूम रहे हैं और खाने का वेट कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए तो ऊपर से केयर टेकर जो है वो लोग खाना देते हैं तो छोटे छोटे फिशेस नीचे पानी में डाल रहे हैं। सारे फिशेस आपस में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं खाने के लिए। आप ध्यान से देखिए तो आपको चारों तरीके के शार्क यहाँ पे दिख जाएगा। चारों तरीके के शार्क्स यहाँ पे एक साथ हैप्पीली रहते हैं एंड सबको एक साथ ऐसे देखना एक अलग एक्सपीरियंस ही था। आपने कभी स्कूबा डाइव ट्राई किया है? नहीं तो फिर आपको सी लाइफ एक्वेरियम तो एटलीस्ट जरूर देखना चाहिए ये जानने के लिए कि अंडर सी सब चीजें कैसी होती है। ये देखिए एक फनी सा फिश है जिसका आंख तो लग रहा है बाद में बाहर से किसने चिपका दिया हो। नेक्स्ट फिश भी कोई कम फनी नहीं है, ये देखिए इसका फेस, आईज, नोज, माउथ, एवरीथिंग लुक्स लाइक ए ह्यूमन फेस। ये देखिए एंग्री फिश, लग रहा है जैसे हमने उसके पास बहुत लेट आए तो गुस्सा हो गया हो। नेक्स्ट है माय डॉटर्स फेवरेट जेली बीन्स। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट कर दीजिए।
नेक्स्ट है ये देखिए कुछ डरावने से फिश है, क्या आप इनके नाम जानते हो? अगर जानते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अरे वाह, चलिए काउंट करते हैं कि कितने तरीके के फिश यहाँ पे एक जगह में रखा गया है। बस ये हमारा आखिरी फिश है एंड हम अभी एग्जिट होने वाले हैं। एक्वेरियम के एग्जिट गेट पे सोविनियर या फिर टॉय शॉप था, जिसमें काफी सारे अलग अलग वैरायटीज के टॉयज एंड सोविनियर्स थे। सारे चीज बहुत कॉस्टली था, एक्चुअल रेट से डबल ट्रिपल था। मेमोरी के लिए हमने बस छोटा मोटा चीजें ले लिया। वहाँ पे खाना खाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब खाना सेल नहीं हो रहा था, बट अब अपने टिफिन लेके जा सकते हो। तो हमने जो खाना लिया था वो थोड़ा बहुत खाया एंड वहाँ से निकले। 5 मिनट वॉक करके मेन रोड तक गए, वहाँ पर मशीन था, वहाँ से हमने फिर रिटर्निंग का वही सेम ए बी जोन का टिकट लिया। आपको अभी हेलसिंकी का इवनिंग व्यू देखने को मिलेगा। ये व्यू मैंने ट्राम से कैप्चर किया है। बस 40-45 मिनट के अंदर हम वापस अपने क्रूज में पहुंच गए थे, जिसमें हमने उस दिन का नाइट स्पेंड किया एंड अगले दिन मॉर्निंग अराउंड 10-11 एम में वापस जो है क्रूज हमको लेके गया स्टॉकहोम तक। हम सारे अवेलेबल इवेंट्स को एंजॉय किए। अभी सारे इवेंट्स खत्म हो गए हैं और हम वापस अपने रूम में आ रहे हैं। अभी यहाँ पे शिफ्ट में तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, तो मिलते हैं अभी वापस, हम जा रहे हैं रूम के अंदर, सुबह निकलेंगे स्टॉकहोम के। बाय बाय। क्रूज पोर्ट में पहुंच गया था एंड हम नीचे आ गए। एग्जिट के पाथ को फॉलो करते हुए बाहर निकल जाना है। ये देखिए, आप देख सकते हो क्रूज का आउटसाइड व्यू। ये फैमिली ट्रिप हमने 3 दिन पूरा बहुत ज्यादा एंजॉय किया। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आपने लाइक भी कर दिया होगा एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। डोंट मिस माई अदर यूरोप ट्रिप ब्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।